श्री राम समर्थ अप्रैल 12। सद्वस्तु साध्य करा लेने का उपाय सत्संगति। विषयासक्त व्यक्ति शराबी की तरह व्यवहार करता है, उसे सब समझता है लेकिन तदनुसार वह कृति नहीं करता। इधर वह अपने को परमात्मा का अंश समझता है और उधर विषयांध होते रहता है। सच कहा जाए तो शिवाय भक्ति के सब व्यर्थ हैं। संत के समीप रहकर भक्ति की साधना करें। हमें लगता है कि कुछ करना बाकी है, जब ऐसा लगेगा कि जो करना बाकी था वह अब नहीं करना है, तब समझिए कि साधना में प्रगति हुई। भगवत भक्ति के लिए गुरु की सेवा एक मुख्य साधन है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे गुरु स्वयं जाकर मिलता है। वस्तुतः गुरु किसी भी बात की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए गुरु कामधेनु से भी श्रेष्ठ हैं। अति तर्पण के सिवाय भगवान से मिलना संभव नहीं। संत समागम भाग्य हो तो होता है, किंतु सम रीति से जा पाए तो सच्चा समागम होता है। लेकिन हम तो विषम मार्ग से जाते हैं, इसलिए संत से भेंट होकर भी हमें समागम का लाभ नहीं होता। हम विषय पंकज में डूबे हुए होते हैं। हमारी यह दुरावस्था देखकर संत तिलमिलाते हैं, अस्वस्थ होते हैं। हम उसकी कल्पना तक नहीं करते। जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान प्राप्त नहीं कर पाते तो दूसरे की सहायता लेना अनिवार्य है। ऐसी अवस्था में जिसकी हम सहायता लेते हैं उसका कहना मानना चाहिए ना। भगवान के प्रति हमारी जिज्ञासा है, जिज्ञासा के मार्ग से चलने के लिए संतों ने कहा है। संतों के मन में मूलतः जिज्ञासा होती है, हम में वह नहीं है, इसलिए वह निर्माण कर लेनी चाहिए। कोई भी प्रयास न करते हुए सद्वस्तु प्राप्त करा लेने का उपाय सत्संगति है। सत्संगति विलक्षण सफलता का काम करा देने वाली बात है। जो भाग्यवान होगा उसी को वह प्राप्त होगी। यदि कोई भंवर में अटक गया तो उसे जलगर्त से बाहर निकालने के दो उपाय हैं। एक मार्ग है कोई बहुत अच्छा तैराक भंवर में कूदे, भंवर को तोड़े और डूबने वाले को बाहर खींच लाए, किंतु इस प्रकार के लिए बहुत ताकत लगती है। दूसरा मार्ग है जो भंवर में अटक गया है वह स्वयं भंवर के तल में जाए और वहीं से भंवर के बाहर आए। विद्वत्ता भंवर की तरह है। भंवर में ऊपरी सतह पर पानी चक्राकार होता है लेकिन नीचे की सतह पर गतिहीन होता है। उसी प्रकार जो लोग मामूली विद्या ग्रहण करते हैं वे वाद विवाद और मतांतर के भंवर में अटकते हैं, किंतु जो गहराई में जाकर तल तक पहुंचते हैं उन्हें गहरा ज्ञान होता है और वे जानते हैं कि गहराई में सर्वत्र समता ही है। विद्या के भंवर से बाहर निकालने का काम बहुत बड़े संतों का होता है। सयानों को उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हजारों लोगों को नामस्मरण या भक्ति के मार्ग पर ले जाना यही संतों का सच्चा कार्य है। आज का मुख्य विचार, किसी भी सत्पुरुष की परंपरा का रक्षण करना चाहिए, उसमें अपनी बात की मिलावट न करे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।